अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज का वीडियो उन बच्चों की फरमाइश पर बनाया गया है जिन्होंने कमेंट्स बॉक्स में बताया था कि हमें इसमें कैफियत के बारे में समझाइए। अजीज तुलबा व तलबात, अगर आपको भी कवायद के अंदर, उर्दू ग्रामर के अंदर कोई परेशानी हो तो हमें जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स के जरिए बताइए। इंशाअल्लाह अगला वीडियो भी आपकी फरमाइश पर बनाया जाएगा। उर्दू ग्रामर के बाद हिंदी ग्रामर, मराठी ग्रामर और अंग्रेजी ग्रामर को भी हम मुफस्सिल तफसील के साथ समझने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इसमें कैफियत किसे कहते हैं और इसके क्या मिसालें हैं। इसमें कैफियत उस हालत या कैफियत का नाम है जिसे हम सिर्फ समझ सकते हैं। इसमें कैफियत उस हालत या कैफियत का नाम है जिसे हम सिर्फ समझ सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं, उसे इसमें कैफियत कहा जाता है। मिसाल देखिए, यहां पर मिसाल के जरिए यहां पर साफ तौर पर वाज़ह हो जाता है। वो बेताबी से इधर उधर दौड़ रहे थे, वो बेताबी से इधर उधर दौड़ रहे थे। तो यहां पे देखिए बेताबी ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए ये इसमें कैफियत है। उसके बाद मरीज कमजोरी महसूस कर रहा था, मरीज कमजोरी महसूस कर रहा था। उसके बाद आप देखिए यहां पर लड़का बेचैनी से इंतजार कर रहा, तो यहाँ पे बेचैनी ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर बेचैनी ये अल्फाज इस्तेमाल किया गया है। इससे हम आसानी के साथ समझ सकते हैं कि इसमें कैफियत का इजहार हो रहा है। और मिसालें यहाँ पे देखिए, वो बड़ी बहादुरी से लड़े, वो बड़ी बहादुरी से लड़े। अब यहाँ पे जिन जुमलों के अंदर इसमें कैफियत का पता चलता है इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। वो बेताबी से इधर से उधर दौड़ रहे थे, इसमें लफ्ज बेताबी से दौड़ने वाले की हालत या कैफियत का पता चलता है, दौड़ने वाले की हालत और कैफियत का पता चलता है। इससे हम यहाँ पर आसानी के साथ अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कैफियत है। दौड़ने वाले के चेहरे और हाथ पांव के हरकत से हम उसकी हालत को बयान कर सकते हैं कि दौड़ने वाला किस अंदाज में दौड़ रहा है, दौड़ने का अंदाज कैसा होता है, हाथों की और पैरों की हरकत कैसी होती है, इसके बारे में हम तफसील से बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और मिसालें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। कमरे में हवा गर्म है, कमरे में हवा गर्म है, कमरे में बहुत गर्मी है। तो यहाँ पे देखिए दो अल्फाज यहाँ पर मिलते जुलते हैं, एक गर्म और दूसरा है गर्मी, मगर इसके अंदर फर्क ये है कि लफ्ज गर्म सिफत है और गर्मी इसमें कैफियत है। लफ्ज गर्म ये सिफत है और लफ्ज गर्मी ये इसमें कैफियत है। अब इसी तरह से इसमें कैफियत बताने वाले चंद और मैं अल्फाज आपके सामने पेश कर रहा हूं, गौर से देखिए। जैसे बचपन, ईमानदारी, सर्दी, गर्मी, ऊंचाई, मायूसी, लालची, हंसी, बुराई, गहराई, मोहताजी, गलती, परेशानी, बड़ाई, वफादारी, ईमानदारी वगैरह। तो अजीज दोस्तों, ये अल्फाज यहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें कैफियत के लिए। तो इन अल्फाज से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कैफियत इस जुमले के अंदर कौन से अल्फाज से, कौन से लफ्ज से बयान की गई है। एक बार फिर से मैं आपके सामने यहाँ पे तारीफ पेश कर रहा हूं। इसमें कैफियत उस हालत या कैफियत का नाम है जिसे हम सिर्फ समझ सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं, उसे इसमें कैफियत कहा जाता है। जैसे गर्मी, इसको हम समझ सकते हैं, इसको हम महसूस कर सकते हैं, इसे कहा जाता है इसमें कैफियत। बचपन, इसे हम महसूस करते हैं, इसको हम समझते हैं, ये है इसमें कैफियत। अजीज दोस्तों, अगर आपको और ऐसी कोई परेशानी उर्दू ग्रामर के ताल्लुक से हो रही होंगी तो हमें जरूर कमेंट्स बॉक्स के अंदर कमेंट्स दीजिए, हम इंशाअल्लाह उस पर भी आपके लिए एक वीडियो जरूर बनाएंगे। अल्लाह हाफिज दोस्तों, जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह